अयोध्या की बुद्धिजीवी की राजनीति को उभारने का काम करेंगे। ये अयोध्या के लोग इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि बुद्धिजीवी अपने घर पे बैठा हुआ है। जनतावादी विचार पे आधारित बहुजन समाज पार्टी की केंद्र में भी सरकार बनाएंगे, स्टेट में सरकार बनाएंगे। आप लोगों ने तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जोरदार तालियों का स्वागत करिएगा। माननीय जयप्रकाश साहब आप सीधे आशीर्वाद रखेंगे, आप उनको सुनिएगा। और प्लीज मेरा निवेदन जी का सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, मंच पर राजमान सभी नेतागण मेरे सामने बैठे सभी बुद्धिजीवी साथियों, माताओं बहनों और जहां तक भी घर घर तक मेरी जो आवाज जा रही हो, आप सभी को जय प्रकाश। सबसे पहले जय भीम का उद्घोष करता है सम्मान साथ है। मैं उनकी तरह तक सोचता, मुझे ऐसे लगता था कि शायद एक जाति विशेष से बहुजन समाज पार्टी की तो क्या किसी की भी सरकार नहीं बन सकती। ये भाई समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करते हैं। सभी समाज के लोग कम या ज्यादा मात्रा में भाजपा को वोट दिया करते हैं। बात मित्रों भाई कोई भी गोपाल सिंह जी की, पहले बहुजन समाज पार्टी को कुछ अमुक समाज के लोग वोट दिया करते थे, लेकिन आज सभी लोग परेशान हैं। मैं अभी कुंडला विधानसभा में प्रचार करने गया था, जो आपकी वैसी जो वोट हुई थी, कौन सी थी, उपचुनाव वाली, उपचुनाव में मैं वहां पे मीटिंग करने गया था, तो ब्राह्मण समाज के कुछ लड़के सामने खड़े हुए थे। मैं ऐसी मीटिंग कर रहा था अपनी गाड़ी से माइक लगा करके, तो एक लड़का उधर से ब्राह्मण समाज का कूद के आया, उसने मेरा मुझसे रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब क्या आपका मंच मुझे मिल सकता है, मैं फलाना तिवारी बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि शायद कुछ उल्टा सुलटा ना बोल दे, शायद कुछ उल्टा ना बोल दे, फिर भी मैंने गम किया। मैंने कहा चल भाई तू बोल ले। उसने कहा कि मैं इस भाई की बात का समर्थन करता हूँ, वास्तव में सभी लोग परेशान हैं इस समय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी लोग परेशान हैं। मैं ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता हूँ, जिस ब्राह्मण समाज में कूट कूट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, जब उस सरकार में ब्राह्मण ही सुरक्षित नहीं है तो कोई दूसरा सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, आज आप देख रहे हैं, एससी की बात छोड़ दो, एससी एसटी के एक्ट की बात छोड़ दो, आज जितने भी किसान आपको दिल्ली में ठंड में सुसकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दर्जनों किसानों की मौत हो चुकी है, वो कौन से समाज से ताल्लुक रखते हैं आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। उसमें 90% ओबीसी समाज से लोग ताल्लुक रखते हैं, नहीं क्या? बताओ उस क्षेत्र में जाट गुर्जर का एरिया कहा जाता है, हमारे क्षेत्र में हरियाणा का, जो वो पगड़ी बांध के आ रहे हैं वो सारे अधिकांश जाट हैं, जाट, वो सिख समाज से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कह दिया कि दिल्ली में मरना मंजूर है लेकिन पीछे लौटना मंजूर नहीं है, या तो इसको फैसला वापस लेना पड़ेगा, वरना इसी जगह से 1 साल का राशन भर के आए हैं, पहले यूपी की सरकार जाएंगे उसके बाद दिल्ली की सरकार जाने का काम करेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, आपको गर्व करना चाहिए, आपको अपने ऊपर अपने काम पे गर्व करना चाहिए। इस देश में पहले यह कहा जाता था कि जय भीम बोलने से एमपी एमएलए नहीं बन सकते, है भाई, इनको 3-3 लाख की सैलरी है, हजारों आदमी तो इनके खेतों में काम करते हैं, 500 रुपये की जमींदार है, देखो क्या सुगड़े हुए बैठे हैं, 500 रुपये का जमींदार है, इनकी 3.5 लाख 4.5 लाख इनकी ऐसी सैलरी है, उनको बताया उनके पास, वो साइंटिस्ट है, दवाई बनाने वाले आपके बीच में आए हैं, सभी समाज से, ब्राह्मण समाज से, क्षत्रिय समाज से, ओबीसी समाज से, वैश्य समाज से, क्यों
और ऐसे ही तुम्हारे मंच पे आके नहीं बैठे। मैं अभी वाराणसी में गया था, वहां पे ब्राह्मण समाज के घरों में मीटिंग आई थी, पांडे जी ने सम्मानित किया और ये कहा था जब ये विचार यात्रा पूर्वांचल में प्रवेश करेगी तो ब्राह्मणों के घर पे सबसे ज्यादा भोजन समाज पार्टी के झंडे लगेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बुंदेलखंड में लगवाऊंगा, उन्होंने कहा मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगवाऊंगा। सम्मानित साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, एक कहावत है कि जब तक घर के लोग आपको चौधरी नहीं मानेंगे तब तक कोई दूसरा मानने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं अपने समाज के बीच में इनको लेके आया हूँ और इनके समाज के बीच में मैं जाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि टू विच आई कैन डू यू कैन नॉट और टू विच यू कैन डू आई कैन नॉट बट वेन वी आर टूगेदर वी कैन डू एवरीथिंग। मैंने इनसे बात करी, जिसको हम कर सकते हैं उसको आप नहीं कर सकते और जिसको आप कर सकते हो उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन दोनों एक साथ मिल जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम इस देश में कहा जाता था कि जय भीम बोलने से एमपी एमएलए नहीं बन सकते, किसी की सरकार नहीं बन सकती, लेकिन मेरे नौजवान साथियों आपने आज ऐसा प्रूफ कर दिया है कि अगर पहले जय भीम बोलने से किसी की सरकार नहीं बन सकती थी तो आज की डेट में बिना जय भीम बोले भी किसी की सरकार नहीं बनने चाहिए। सम्मानित साथियों, इसलिए मेरा आपको ऐसे निवेदन है, अपने ऊपर गर्व महसूस करो, आप इस देश को बचाने के लिए आए हैं। ये सारे पीएलजी होल्डर हैं, मैंने सोचा था कि आरएसएस के अंदर 5000 पीएलजी होल्डर इस देश को तोड़ने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करता है। कितना 5000 पीएलजी होल्डर दिन रात बेसमेंट में अंदर घुस करके इस समाज को तोड़ने का काम करता है आरएसएस के अंदर। तो हमने भी सोचा, हम भी एक तरफ उनके 5000 पीएलजी होल्डर होंगे और दूसरी तरफ हमारे 5000 पीएलजी होल्डर होंगे, उनको ईद का जवाब पत्थर से देंगे कि तुम देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, हम देश को तोड़ने के लिए काम करेंगे। सम्मानित साथियों, और आप जानते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सम्मानित साथियों, इसलिए आप लोग घबराओ मत। जैसा कि अभी पांडे साहब ने बताया, हमारे नितेश भाई ने बताया कि एक दिन का समय चाहिए आप लोग का, हमने पूरी जिंदगी लगा दी। हमने साहब, आप जानते हैं, इन बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी परवाह नहीं करी। आपसे नौजवान साथी एक दिन का समय मांगने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। इन्होंने नौकरी दाव पे लगा दी, सरकारी नौकर है ये लोग। अब देखो मेरे गले में पटका है, मेरे गले में पटका है, लेकिन उन्होंने कहा कि देश की खातिर अगर नौकरी भी गंवानी पड़े तो उसको भी गंवाएंगे, लेकिन धन जी को 5000 सीएम बनाने का काम करेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस देश में फिर से आपकी बात बनेगी और सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन पराजित कदापि नहीं हो सकती है। सम्मानित साथियों, आप लोग सच्चे रास्ते पर चलने वाले लोग हो। नौजवान साथियों, आप लोग को इनका जो आपके अंदर जोश है उसके अंदर अपने बुजुर्गों का होश मिला करके इस देश में फिर से परिवर्तन करना होगा। आप जब निवेदन करने के लिए आए हैं, एक दिन का आप लोग हमें समय देंगे। हम लोग साथियों, कितनी अच्छी बात बताई, इस दुनिया के किसी भी देश में 5 बार ना तो कोई राष्ट्रपति बना है, ना कोई प्रधानमंत्री बना है, ना कोई मुख्यमंत्री बना है। अगर ऐसा हुआ, आप सफल हुए, जब पक्का हो गए, इस दुनिया में पहली बार आपके समाज की बेटी, सब समाज की नेता बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। कितनी बड़ी बात है सम्मानित साथियों, इसलिए आप लोगों को इस आंदोलन में काम करना है। बात बहुत अच्छी है, आर्मी पार्मी के चक्कर में नौजवान साथियों राजनीति करना सीखो, लेकिन ये चालाक किस्म के लोग आपको बरगलाने का काम करते हैं। कहते हैं कि राजनीति तो बहुत गंदी चीज है, कभी इसके चक्कर में मत पड़ना। कौन कहता है? ये पीले वस्त्रधारी बाबा, आप लोगों ने उनके फोटो टीवी में देखे होंगे, नाम मैं बताता हूँ, स्वामी चिन्मयानंद, स्वरूपानंद, सुरेशानंद, सतपाल महाराज, अग्रवेश, अग्रवेश प्रसन्न पाल स्वामी, मेहनचंदा, सुमेदानंद, आपने नाम सुनेंगे। ये बाबा है सारे के सारे, इनके साथ कुछ बाबी भी लगी हुई है। वैसे तुम्हारे यहाँ से सांसद रही थी उमा भारती, वो बाबी है उमा भारती, तुम्बरा, वसुंधरा, नरेंद्र देवी, एक कल परसों आई है प्रेंगा ठाकुर, ये सारे बाबा बाबी। आप लोगों से कहते हैं राजनीति गंदी
मोहल्ले में जाओ और जाके मंदिर बनाओ और वहां पे जाके अपने मंदिर की घंटी बजाओ। आपको घंटी में लगा रहे हैं और खुद अपने मंदिरों को छोड़ करके एमपी एमएलए और मंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आपको सुनना होगा मेरे नौजवान साथियों, आपको इनको सीखना पड़ेगा। जो लोग आपसे कहते हैं कि ऊपर वाले का भजन करो, मैं बताता हूँ कौन है ऊपर वाला। इस पैर से चलते हुए आओ और ऐसे निकलते हुए आओ, ये होता है ऊपर वाला। इससे ऊपर इस दुनिया में कोई नहीं होता। ये आदमी का बटन है, ये दम गया तो समझो आदमी मर गया। इस बटन से ऊपर वाले हिस्से से जो आदमी काम करता है वो एक मिनट में 1 करोड़ रुपए भी कमा सकता है। जो इस बटन से नीचे वाले हिस्से से काम करता है वो पूरे 12 घंटे भी काम कर लेना, 200, 400, 500 रुपए से ज्यादा कभी कमा नहीं पाओगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इसका प्रयोग करो। इसी को कहते हैं ब्राह्मण। बाबा साहब ने कहा था ब्राह्मण देश का बुद्धिजीवी वर्ग है। आप क्या कहेंगे, उसने कहा था ब्राह्मण वृक्ष से पैदा हुआ है। ब्राह्मण के कहते हैं ना, ब्राह्मण ब्रह्मा के वृक्ष से पैदा हुआ है और क्षत्रिय बुझाव से पैदा हुआ है, वैश्य यहाँ से पैदा हुआ है और शूद्र यहाँ से पैदा हुआ। इसका अर्थ समझो, आपको समझना पड़ेगा। इतना हिस्सा बुद्धि से संबंधित होता, बात पैदा होने की नहीं है, बात पैदा होने की नहीं है, ये हिस्सा बुद्धि से संबंधित होता है। इसका प्रयोग जो करता है वो ब्राह्मण होता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। वो ताकत के बल पर चलता है। इसलिए सम्मानित साथियों, बाकी बातों को आप समझ सकते हो। हम लोगों ने साथियों कोई किसी की गुलामी नहीं करी। मेरा आप लोगों से निवेदन है, राजनीति करो, क्योंकि इस दुनिया में बात हमेशा ताकतवर की मानी जाती है, कमजोर की बात नहीं मानी जाती। ताकत खेत में नहीं होती, ताकत नौकरी में नहीं होती, ताकत देवी देवता में नहीं होती, ताकत मंदिर में भी नहीं होती। अगर ताकत मंदिरों में होती तो योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ के मंदिर को छोड़ के मुख्यमंत्री नहीं बनता। अगर ताकत मंदिर में होती तो ताकत का एक स्थान है जिसका नाम है राजनीति। राजनीति करना सीखो मेरे नौजवान साथियों। ये चुटपुट करना, ये रोड पे चिपकाना, इनको बंद करो। पढ़ाई लिखाई करो, आप लोग पढ़ते लिखते रहो। जब तक पढ़ाई पूरी हो रही है जब तक राजनीति सीखते रहो आप लोग। आपकी नौकरी लग जाए तो बाउंड शेप में आ जाना, नहीं लगे तो बहुजन समाज पार्टी में आके काम करना। लेकिन आपको देश को बचाना होगा मेरे नौजवान साथियों। इसलिए विचार यात्रा हम आपके बीच में साथियों, कुछ दिन के बाद ये दिल्ली के पास से बादलपुर से चलेगी, जहाँ से बहन जी जहाँ जो पैतृक काम है उसी काम से चलेगी। मैंने आज से 17 साल पहले अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया था और जिद इस यात्रा को शुरू करेंगे, क्योंकि ये बस के रूप में ये रथ आएगा आपके बीच में, वैनिटी वैन के रूप में, वैनिटी बस के रूप में। उसी में कमरा होगा, लैट्रिन बाथरूम किचन होगा, उसी में आपकी मीटिंग का हॉल होगा, ऊपर निकलने का रास्ता होगा, वहीं पे मंच होगा। हम आपके बीच में अपनी बस को लेकर के आएंगे, आप लोग इकट्ठा होंगे, हम ऊपर चढ़ जाएंगे, अपनी बात को कहेंगे और सभी समाज में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहरा करके 5वीं बार सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील करेंगे। याद रखना, सभी लोग आपके साथ आने के लिए तैयार है। आप लोग इस बात से बेफिक्र रहो, क्यों ब्राह्मण समाज की हत्याएं पहली बार हुई है इस देश के अंदर। इस देश में ब्राह्मण समाज की हत्याएं पहली बार हुई है। 700